ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है किरदार पेश करने की। आदाब, मैं हूं हेमंत मिश्रा। किरदार में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म शहंशाह और उसके एक अहम किरदार इंस्पेक्टर असलम खान की। और इस पूरे सब्जेक्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमार सिनेमा की एडिटर और मुल्क की जानी मानी फिल्म क्रिटिक गीता सिंह जी। गीता जी, शहंशाह फिल्म की बात करें तो अमिताभ बच्चन साहब को एक नया मुकाम दिया है इस फिल्म ने, एक नया नाम दिया है इंडस्ट्री में। ये फिल्म अमिताभ बच्चन साहब के करियर के लिए कितनी अहम साबित हुई? शहंशाह 1988 में आई फिल्म थी और उस वक्त अमिताभ बच्चन राजनीति में आ गए थे, पॉलिटिक्स में थे, लेकिन वो अपना कुछ कमाल राजनीति में ऐसा दिखा नहीं पा रहे थे और वो दोबारा फिल्म इंडस्ट्री की ओर लौटने की सोच रहे थे। तो ये फिल्म उनके कमबैक के बाद एक सुपरहिट फिल्म थी। तो इस फिल्म ने एक बार दोबारा उन्हें बॉलीवुड की बादशाहत प्रदान की थी, जिसे हम कह सकते हैं, और एक नया नाम दिया था, शहंशाह। गीता जी, अगर फिल्म की बात करें तो इसमें असलम खान का किरदार, ईमानदार इंस्पेक्टर का किरदार, कितना अहम साबित होता है इस फिल्म के लिए और अमिताभ बच्चन के इस कैरेक्टर को सपोर्ट करने के लिए? इस फिल्म के साथ मजेदार बात यह है कि फिल्म की कहानी जया बच्चन ने लिखी है और ये शायद एक पहली फिल्म होगी जिसकी कहानी जया बच्चन ने लिखी है। और जया बच्चन इसमें अमिताभ को एक सुपर हीरो का कैरिज्मा देना चाहती थी, तो उन्होंने स्पेशली अमिताभ बच्चन के लिए एक सुपर हीरो की कहानी लिखी। गीता जी, अगर प्राण जी की बात करें तो अमिताभ बच्चन के लिए काफी लकी साबित हुए। जंजीर फिल्म में भी उनका एक किरदार था अमिताभ बच्चन के साथ, इस फिल्म में भी किरदार था उनके सपोर्टिव किरदार के रूप में। हाँ, हम ये ऐसा सोच सकते हैं और मान भी सकते हैं क्योंकि जंजीर फिल्म भी अमिताभ बच्चन के करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। इस फिल्म में उससे पहले वो 7 फ्लॉप फिल्में दे चुके थे, फिर उसकी एक सुपरहिट फिल्म आई। शहंशाह जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं दरबार लग जाते हैं। अभी दरबार उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम्हारे जुर्मों की किताब खोली और पढ़ी नहीं जाती। गीता जी, अगर बात करें फिल्मों की तो एक जो लीड रोल होता है उसका एक अलग लुक होता है और डायरेक्टर हमेशा इस बात का ध्यान रखता है। शहंशाह फिल्म में अमिताभ बच्चन का जो लुक था, जो ड्रेसिंग सेंस था, आज भी याद किया जाता है। कितना महत्वपूर्ण था ये ड्रेसिंग सेंस भी उनके इस किरदार के लिए। शहंशाह फिल्म के लुक्स की अगर हम बात करें तो ये फिल्म हॉलीवुड के, जैसे कि मैंने कहा कि वैसे कहानी तो इंस्पायर्ड नहीं थी लेकिन लुक्स इंस्पायर्ड इसलिए थे कि रॉबिन हुड एक स्टाइल देना था, तो उन्होंने इसीलिए एक अलग तरह का कॉस्ट्यूम अमिताभ बच्चन ने अपने लिए चूज किया। वैसे एक बात ये भी है इस फिल्म के साथ मजेदार बात जुड़ी कि ये फिल्म का कॉस्ट्यूम वगैरह पहले जैकी श्रॉफ के लिए बना दिया गया था, क्योंकि एक वक्त में अमिताभ बच्चन को ये भी लग रहा था कि मैं राजनीति से वापस ना जाऊं, राजनीति में ही रहूं। तो लेकिन जब उन्हें जया बच्चन और सब लोगों ने बहुत इंसिस्ट किया कि आपको दोबारा फिल्मों में ही आना चाहिए, तो फिल्म का दोबारा से कॉस्ट्यूम अमिताभ बच्चन के साइज के बने थे। गीता जी, आपसे आखिरी सवाल, शहंशाह फिल्म में असलम का जो किरदार है जो प्राण ने निभाया था, कितना अहम हो जाता है एक सामाजिक तौर पर, एक समाज की तस्वीर दिखाने के लिए और एक अच्छा मैसेज देने के लिए? जैसे कि मैंने हमेशा से बताया है कि हमारी फिल्में समाज का आईना होती हैं और मुस्लिम किरदार इस फिल्म में, जो भी मुस्लिम किरदार आए हैं, एक असलम खान का है और एक सलीम का किरदार है जो जर्नलिस्ट होते हैं इसमें, विजेंद्र घाटके ने निभाया है ये किरदार, तो ये दोनों ही किरदार अपने उसूलों के साथ पक्के और ईमानदार दिखाए गए हैं और ये समाज में एक सही दिशा दिखाने की राह में चल रहे किरदार होते हैं। शुक्रिया गीता जी, आज के किरदार में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। किरदार की पेशकश के बाद अब बारी है सियासत के चुप सन्नाटों के बीच से वैसी कुछ आहटों को छाट लाने का जो आने वाले पलों में एक बड़ी खबर की शक्ल अख्तियार कर सकती है। तो लीजिए पेश है आज का मिर्च मसाला, यानी खबरों की खबर बनने से पहले की आहटें। पी चिदम्बरम जब वापस अपने पुराने वजारत खजाना पहुंचे तो ये जानकर हैरान रह गए कि उनके साबिक वजीर की एक करीबी साथी की मदद से 39 लोगों के फोन टेप हो रहे थे और ये सिलसिला पिछले 20 महीनों से मुसलसल चल रहा था।
हैरत अंगेज तरीके से जिन असरो रसूख रखने वाले लोगों के लैंडलाइन और मोबाइल फोन टैप हो रहे थे, उसमें खुद ईडी के अफसर भी शामिल थे। वजारत के एक स्पेशल डायरेक्टर का फोन टैप हो रहा था। इसके अलावा खुफिया महकमे के कई आला अफसरान और कई महकमों के आला अफसर भी फोन टैपिंग की इस काली फहरिस्त में शामिल थे। चिदम्बरम ने आते ही सबसे पहले इस हुक्म को खारिज किया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप अपनी कोई बात या अपने दिल के जज्बात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करें ntihindustanhamara@gmail.com पर, या फिर लॉग ऑन करें www.hindustanhamara.in पर। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर है 01204567833। आप चाहें तो हमें फैक्स भी कर सकते हैं, हमारा फैक्स नंबर है 01204291218 पर। आप चाहें तो हमें SMS भी कर सकते हैं 09868807712 पर। यकीन मानिए, आपका हर मशवरा हमारे लिए बेहद कीमती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल आपसे फिर होती है मुलाकात, इसी समय इसी चैनल पर इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमण अपनी को होस्ट साइमा खान और पूरी NTI TV की टीम के साथ आपको कहना चाहता हूँ अलविदा। आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मकाम में कल देखिए जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जनाब GN काजी की जिंदगी की एक अनकही दास्तां। पतरा पतरा हर शे की रवानी में है, जो ये वतन जिंदा है तेरी जिंदगानी में है। मेरे सीने की आग तेरी आँखों के पानी में है, मेरी जुस्तजू में है तेरी कहाँ।